पर बलशाली बनने के बाद भी उन्होंने क्या किया कि वो प्रकाश नहीं मिला अभी तक। बोले प्रकाश मिलेगा भक्ति के द्वारा, तब से तुमने शिव जी के तब से तुमने ताकत तो अर्जित कर ली, पर भक्ति करो। भक्ति किसकी करो? श्री कृष्ण की करो। तो भक्ति जो है वो आदमी को बड़ा बनाती है, शक्ति मनुष्य को दंभी बनाती है, शक्ति मनुष्य को दंभी बनाती है, भक्ति मनुष्य को बड़ा बनाती है। भक्ति विहीन शक्ति उत्पाद पैदा करती है। अगर भक्ति विहीन शक्ति है तो वो उत्पाद पैदा करेगी, जैसे भस्मासुर, वृत्रासुर, हिरण्यकश्यप, ये भक्ति विहीन शक्ति थी पूरी इनकी। उनकी समझ में आया, शनि ने कहा कि हम श्री कृष्ण की उपासना करेंगे। अच्छा मैं कहते कहते बता दूं कि शनि मंडल सूर्य मंडल से ही बड़ा है, तुमको मालूम है? सूर्य भगवान से प्रार्थना की ना कि हमारा मंडल आपसे भी बड़ा हो, सात गुना बड़ा। तो सात गुना बड़ा तो नहीं है, पर सूर्य मंडल से काफ़ी गुना बड़ा है। और ये सारे के सारे कॉस्मोलॉजी की जानकारी पूरी की पूरी हम लोग अपने कॉस्मोलॉजी डिपार्टमेंट में देने जा रहे हैं। तुमको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि 2 तारीख को, गुरुवार के दिन, हम लोग कॉस्मोलॉजी डिपार्टमेंट, तुम लोग मालूम है, बहुत लोग भसा लोग कॉस्मोलॉजी डिपार्टमेंट का उद्घाटन कर रहे हैं। ग्रंथालय जो है ना उसके ऊपर, सबसे ऊपर वाली मंजिल कहाँ होना चाहिए? कॉस्मोलॉजी कहाँ होना चाहिए? जहाँ से ब्रह्मांड नज़दीक हो, ब्रह्मांड सबसे नज़दीक हमको वहीं जान पड़ा। तो कॉस्मोलॉजी डिपार्टमेंट का हमने प्रभारी बनाया है शाम्बी को, डॉक्टर शुक्ला को, टेलीस्कोप भी बहुत बड़ा आया है, और मार्कस श्माइके और क्लॉस के माध्यम से जर्मनी के कॉस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के संपर्क में हम हैं, और शाम्बी की थीसिस भी कॉस्मोलॉजी में है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि कॉस्मोलॉजी का डिपार्टमेंट, हमारा पीयूष भी उसमें मदद कर रहा है, हमारे और भी बच्चे राकेश भी उसमें मदद कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे बीएससी बीए के सब लगे हुए हैं उस काम में। तो 1-2 दिन के अंदर वो सब डेकोरेशन वगैरह सब कर देंगे, और कॉस्मोलॉजी में हम सारे मंडलों की सूचना देंगे, और सारे मंडल किस चीज़ के प्रतीक हैं, उनके आध्यात्मिक प्रतीक क्या हैं, तो ब्रह्मांड की जानकारी तुमको मिलेगी तो बहुत बढ़िया होगा। ब्रह्मांड विज्ञान क्या है, ब्रह्मांड को जानना बहुत जरूरी है। लेटे रहते हैं छत पर, देखते रहते हैं ये तारा वो तारा वो तारा, तारों के बारे में जानो तो सही, ब्रह्मांड के बारे में जानो तो सही। ये नया डिपार्टमेंट अपने खुलने जा रहा है कॉस्मोलॉजी, और फिर अगले साल से अच्छी ताली ताली अच्छे ढंग से नहीं बजी, जरा बजाओ तो जरा जम के बजाओ। ये मेरे सपनों का विषय है, ये मेरे सपनों का विषय है, मैंने इस पर खूब लिखा है, कॉस्मोलॉजी के ऊपर मैंने बहुत लिखा है। प्रत्यक्ष से भी समर्थ परोक्ष करके किताब लिखी है मैंने, ये वैज्ञानिक अध्यात्म सीरीज में प्रकाशित हुई थी, प्रत्यक्ष से भी समर्थ परोक्ष। उसमें सारे ग्रह मंडल विज्ञान परम पूज्य गुरुदेव के निर्देश पे जो लिखा गया था वो सारा उसके अंदर है। तो ये जो शनि महाराज की कथा चल रही थी, कई बार लोगों को लगता है कि श्री कृष्ण तो 5,000 साल पहले हुए थे, और शनि तो इतना पुराना है, तो श्री कृष्ण की उपासना क्यों? न जाने कितने द्वापर आए, न जाने कितने मनवंतर आए, आपको मालूम भी नहीं है। न जाने कौन सा मनवंतर चल रहा है, आपको मालूम भी नहीं है। कृष्ण न जाने कौन से मनवंतर में थे। श्री कृष्ण जन्मे, शनि दर्शन करने गए, उनका श्री कृष्ण की भक्ति करनी थी, पिता का आदेश था, तो शनि के वहां होने से, शनि के प्रेजेंट होने से ही हाहाकार मच गया। अरे भाई कृष्ण के पास कौन आ गया? पर गोद से निकलकर शनि के सामने प्रकट हुए श्री कृष्ण, और प्रकट होने के बाद कहा तुम यहां मत रहो, हमारी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम कोकिला वन में जाकर निवास करो। तो वृंदावन और दिल्ली के बीच में कोकिला वन है, शनि का सिद्ध स्थल है, शनि का सिद्ध स्थल है, वहां पर ऐसा कहते हैं मान्यता पूरी हो जाती है, कृष्ण की आराधना वहां, कृष्ण की आराधना की जाती है और शनि की आराधना साथ साथ की जाती है। तो उन्होंने कहा वहां हम दर्शन देंगे, वहां जाके रहे, वहां दर्शन दिए। ये इसलिए घटना बताई तुमको कि अष्टग्रही योग की बात चल रही थी, और आजकल तुमने देखा होगा शनि के मंदिर, और ये श्रीमद् भागवत में भविष्यवाणी आई है, ग्रहों से डर डर करके लोग उनके मंदिर बनाएंगे, उनकी पूजा करेंगे। हरिद्वार जब हम आए थे एक भी शनि का मंदिर नहीं था, दिल्ली से यहां तक शनि का मंदिर नहीं था, अब दिल्ली से यहां तक कम से कम 30 शनि के मंदिर है। मनोकामना पूरी हो, शनि से डरते हैं लोग बात, शनि डरने वाला नहीं है, डराने वाला नहीं है। शनि जो है किसी का बुरा नहीं करता, प्रखर तपस्या का प्रतीक है, शनि तपस्या कराता है, स्वभाव से तपस्वी है शनि, भक्त है किसका? कृष्ण का। भक्त कभी किसी का बुरा कर सकता है? शनि कभी किसी का बुरा कर सकता है? तुमसे कोई ज्योतिषी कभी बोले तो मत विश्वास करना, उसके 7.5 साथी की बात करें तो भी बोलना, हम सुकर्म करने वाले हैं, सत्कर्म करते रहते हैं तो हमारे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जोश के साथ कहना और आत्मविश्वास के साथ कहना, तुम जितने आत्मविश्वास के साथ कहोगे उतनी ही ज्योतिषी की वाणी निष्फल होती चली जाएगी। इसलिए कभी मत डरना, किसी ग्रह से मत डरना।
उनका कोप भी हमारे हित के लिए है। अगर शनि का कोप बताया है तो हमारे हित के लिए, क्या कराने के लिए, तप कराने के लिए। तप वो भक्ति से शनि की दशा कट जाती है, तप और भक्ति दो चीज करें तो शनि की दशा कट जाती है। ये हमेशा सदाचरण की राह दिखाते हैं। तो उसने क्या कहा कि हमारे पास तो नीलमणि है और क्या हम उसको धारण कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि शनि की आराधना करो, शनि की आराधना करो, इन सब की आराधना करो, और शनि आपसे रूठे बैठे हैं, बड़ी विकराल दशा चल रही है। तो उन्होंने कहा भाई नीलमणि कौन सी है तुम्हारी? तो बोले हमारी नीलमणि स्वयं श्री कृष्ण है, हमारी नीलमणि स्वयं श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण को अंदर धारण कर रखा है। जब तुमने श्री कृष्ण को अंदर धारण कर रखा है तो शनि तुम्हारे सामने कैसे आ सकता है? अरे भैया शनि प्रणाम करेगा आके तुमको, तुम मत डरना किसी, श्री कृष्ण को धारण कर लो, नीलम नीलम नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं। नीलम की अंगूठी के चक्कर में लुटोगे, पिटोगे और मर मिट जाओगे, पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे, इसलिए कभी इन चीजों पर भरोसा मत रखना। हम उस नीलमणि को धारण करेंगे जो शनि स्वयं धारण करते हैं, नीलमणि स्वयं कृष्ण है। वास्तव में हमें सबसे ज्यादा भरोसा किसका होना चाहिए? भगवान का भरोसा, श्री राम का भरोसा। श्री राम का यदि भरोसा है और राम भरोसा हृदय नहीं दूजा, किसी का और किसी का विश्वास ही नहीं, बस आप और हम लोग, किसी भी अवस्था में परेशान न हो, किसी अवस्था में भी उनकी कृपा को न भूलें, बार बार ये सोचें कि हमने उन्हीं की कृपा पाई है, किसी और की तरफ जाना ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। एक जन्म हुआ तो राम बोला, मुंह से नाम निकला राम तो राम बोला। उनका जन्म हुआ, जन्म के बाद उन्होंने अभाव ही अभाव देखा, उनकी माँ चल बसी, उनका बहुत कष्ट में जीवन बीता, किसी और ने पाला। अब पाला तो वो कथा करते थे, तो कथा करते करते वो भी कथा करने लगे। अब उन्होंने जो है जीवन में कभी प्रेम नहीं देखा था, पत्नी से शादी हो गई तो पत्नी के प्रति प्रेम इतना जागा कि आसक्ति में बदल गया, इतना आसक्ति में बदल गया कि वो छूटे ही नहीं। और वो तुमको मालूम है सांप वाली कथा, और सांप को लेकर ऊपर पहुंच गए। तो वो कहते हैं, पत्नी ने कहा ना कि राम के लिए इतना किया होता, तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं हमने चाखा राम रस पत्नी के उपदेश से। कितने ऐसे निर्मल हृदय के पति होंगे जो कहेंगे हमने पत्नी के उपदेश से अध्यात्म के पथ पर चलने की राह पकड़ी है। कोई नहीं कहेगा अहम बहुत बड़ा होता है, परंतु हमारे गोस्वामी जी अहम रहित हैं। वो कहते हैं हमने चाखा राम रस, राम हमें क्यों मिले? पत्नी के उपदेश से। अगर पत्नी ने उपदेश नहीं दिया होता तो हमको शायद राम नहीं मिलते। और फिर राम मिले उनको, वाल्मीकि जी की कथा कहने लगे, राम कथा कहने लगे। फिर भी काम वासना बहुत सताती थी, 60 साल की उम्र, 70 साल की उम्र काम वासना सताती थी। किसी ने प्रेरणा दी कि आप जानकी जी के धाम में जाइए, तो जनक धाम, वहां जाके देखा तो हर नारी उनको सीता दिखाई पड़ी, हर नारी सीता के रूप में दिखाई पड़ी। भाई ये तो जानकी जी का स्थान है, सीता जब एक हर नारी जब सीता है तो फिर काम वासना उसी दिन से उनकी लुप्त हो गई। उसके बाद 70 साल की उम्र में उन्होंने रामायण लिखना शुरू करा। ये बहुत बड़ा विलक्षण प्रसंग है। क्यों? श्री राम भरोस, उनके अंदर एक राम का भरोसा पैदा हो गया और राम का भरोसा पैदा होकर के वो जीवन उनका बदल गया। तीर्थ भाव का प्रचार करते हैं, भगवान कहते हैं चरण राम तीरथ चली जाएंगी, जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम रूपी मंत्र राज को जपते हैं, परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। कितना बढ़िया परिवार निर्माण का सूत्र दिया है, राम की पूजा भी करो और